नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है प्रतिभा ट्यूटोरियल में। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आरएसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें क्लासिफिकेशन और मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, कि एयरक्राफ्ट में जो हमारा एयर कंडीशनिंग यूज होता है उनके रेफ्रिजरेशन करने का जो मेथड है वो कैसे क्या होता है, उसी को हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसमें छह टाइप के हम सिक्स टाइप्स ऑफ मेथड हम यूज़ करते हैं। पहला हमारा है सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम करने का मतलब है कि ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। सबसे सिंपलेस्ट वे में क्या है, एक हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, एक कूलिंग टर्बाइन यूज करते हैं, एक मेन कंप्रेसर यूज करते हैं। इन सब के बारे में डिटेल हम स्टडी करेंगे, इसलिए मैं अभी ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले डिस्कस करूंगा इसको, और आगे पाँचों को मैं एक एक लेक्चर में डिस्कस करूंगा। दूसरा हमारा सिंपल एयर इवेपोरेटिव सिस्टम। इसी एयर सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम में एक मॉडिफिकेशन है, सब कुछ वही है, लेकिन बस यहाँ पर उन्होंने एक सब कुछ है, कूलिंग टर्बाइन भी है, मेन कंप्रेसर भी, हीट एक्सचेंजर भी है, बस एक इवेपोरेटर उन्होंने लगा दिया, क्योंकि नाम है इसका इवेपोरेटिव सिस्टम। अब बूट स्ट्रिप में क्या है, बूट स्ट्रिप में दो हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, एक टर्बाइन और दो कंप्रेसर यूज करते हैं। बूट स्ट्रिप एयर इवेपोरेटिव में मतलब इस बूट स्ट्रिप में एक मॉडिफिकेशन करेंगे, बस एक इवेपोरेटिव लगा देंगे। उसके बाद है रिड्यूस्ड एम्बियंट एयर कूलिंग सिस्टम। इसमें क्या करेंगे, जैसे हम हीट एक्सचेंजर में जब हम एयर को भेज सेंड करेंगे, उससे पहले उसको क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को रिड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए एक टर्बाइन और यूज किया था, इसे यहाँ पर दो टर्बाइन, एक कूलिंग टर्बाइन और एक वहाँ पर टर्बाइन यूज करेंगे उसको रिड्यूस करने के लिए। लास्ट है रिजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम। इसमें एक मेन हीट एक्सचेंजर होता है, एक रिजनरेटिव हीट एक्सचेंजर होता है। इसमें नया टर्म आया रिजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। तो इन सारे के बारे में मैं डिटेल में अभी डिस्कस करने वाला हूँ एक एक करके। तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं पहला जो हमारा है सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम की बात करेंगे तो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम में क्या है कि चलिए मान लेते हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट है। तो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम हमारा है, तो सिंपल एयर कूलिंग मान लीजिए यहाँ से एयर हमारा एम्बियंट एयर यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं एम्बियंट एयर है। यहाँ पर एक डिफ्यूजर लगा होता है जो जो एयर हमारा मूव करता है उसको डिफ्यूज़ करने का काम करता है, ठीक है। डिफ्यूज़ करने के बाद उसका प्रेशर डिक्रीज करेगा पहले, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर हमारा रैमिंग इफेक्ट होगा। रैमिंग इफेक्ट होने के बाद यहाँ पर प्रेशर इसका डिक्रीज हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम रैमिंग इफेक्ट, या कह सकते हैं रैम्ड एयर, और इसको बोलेंगे हम डिफ्यूजर, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर एक टरबाइन से जुड़ा होता है। तो इस कंप्रेसर को बोलते हैं हम मेन कंप्रेसर, एयर मेन कंप्रेसर बोलेंगे, एयर मेन कंप्रेसर, और उसको बोलेंगे हम गैस टरबाइन। यहाँ से जो हमारा ये जुड़ा होता है, देखिए यहाँ पर कंप्रेसर में यहाँ से इन करेगा, तो कंप्रेस करने के बाद इसका मतलब होता है कि कंप्रेसर में कैसे जो डायग्राम में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा प्रेशर को डिक्रीज करता है, इसलिए हमेशा हायर साइड से जो हमारा ज़्यादा लेंथ वाला साइड होगा उससे हमेशा इंटर करेगा एयर, और जो लोअर साइड होगा उससे हमारा एग्जिट करेगा। तो यहाँ से हमारा एग्जिट करेगा एयर, और यहाँ पर लगा रहता है हमारा एक कंबसन चैम्बर लगा होता है, एक कंबसन चैम्बर लगा होता है, इसको हम सीसी से दिखा रहे हैं कंबसन चैम्बर, और ये कंबसन चैम्बर हमारा किससे जुड़ा होता है, टरबाइन से जुड़ा होता है, ठीक है। ये टरबाइन जोड़ दिए, और जो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ पार्ट जो एयर को गाओ सेंड करेंगे, बाद बाकी पार्ट जो भी होगा हमारा वो हम यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर लगा होता है, हीट एक्सचेंजर में हम सेंड करेंगे, हीट एक्सचेंजर में सेंड करेंगे। ये हमारा हीट एक्सचेंजर है, और हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, हमारा एयर यहाँ पर हमारा निकलेगा और कूलिंग टर्बाइन में जाएगा, कूलिंग टर्बाइन में गया, और यहाँ कूलिंग टर्बाइन हमारा क्या, एक एक ब्लोअर मतलब जो फैन या ब्लोअर होता है उससे जुड़ा होता है, जो कि हमारा जो हॉट एयर होता है उसको रिमूव करने का काम करता है, हॉट एयर होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। और इस टर्बाइन के बाद हमारा जो एयर होता है उसको हम केबिन में सेंड करते हैं, ये हमारा केबिन है, केबिन में हम सेंड कर दिए, जो कि हमारा फिर केबिन से एम्बियंट में चला जाएगा। तो ये हमारा टोटल ओवरऑल प्रोसेस होता है, और यहाँ से भी हमारा एम्बियंट में जाता है, इसको बोल सकते हम एयर फैन फॉर रिमूविंग हॉट रैम्ड एयर।
हॉट ट्रैम्ड एयर को हमारा यूज रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, इसको एयर फैन बोलते हैं। ये हमारा है हीट एक्सचेंजर है। इसको बोल सकते हैं हम, इसको बोलते हैं कूलिंग टरबाइन। ये हमारा टोटल जो जो डायग्राम हमारा होता है वो हो गया हमारा सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का। सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम पहले मैंने बताया था कि एक एक हीट एक्सचेंजर होगा, हीट एक्सचेंजर एक कूलिंग टरबाइन है और एक हमारा मेन कंप्रेसर है, ठीक है। इसका हमारा देखिए प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले जैसे हमारा जैसे ही हमारा एयर जाता है एयर ग्राउंड में, सबसे पहले रैमिंग प्रोसेस होता है। इससे पहले मैं रैमिंग प्रोसेस समझा चुका हूँ कि रैमिंग प्रोसेस होता क्या है। यहाँ पर ये क्या करेगा, हीट इन जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है उसको टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करके मतलब थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर रैमिंग प्रोसेस होगा, यहाँ पर रैम्ड एयर होगा। तो रैम्ड एयर यहाँ पर जो अंदर जाएगी तो इसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं एम्बियंट टेम्परेचर से कम होगा। तो यहाँ पर एम्बियंट टेम्परेचर से कम होगा तो इसको क्या करते हैं हम हीट एक्सचेंजर में हम सेंड कर देते हैं। हीट एक्सचेंजर में सेंड करेंगे और यहाँ से जो कंप्रेसर के बाद कंप्रेसर में क्या होगा, प्रेसर इंक्रीज होगा। प्रेसर इंक्रीज हो जाता है, प्रेसर के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो इस एयर को हम कुछ पार्ट इसका यूज कर लेंगे टर्बाइन को रन करवाने में, टर्बाइन जिससे हम थ्रस्ट वगैरह प्रोड्यूस करेंगे जो हमारा यूज होगा एयरक्राफ्ट में। और जो बाद बाकी पार्ट होगा उसको हम हीट एक्सचेंजर में सेंड कर देंगे और हीट एक्सचेंजर में यहाँ से हमारा जो हॉट एयर होगा वो मूव करेगा और यहाँ से कोल्ड एयर मूव करेगा। तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, अगर आप लोगों को जानकारी हो काउंटर फ्लो हमारा हीट एक्सचेंजर होता है वो हमारा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इफेक्टिवनेस ज़्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि काउंटर फ्लो में क्या होता है कि जो हॉट और कोल्ड फ्लूड होता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है। तो यहाँ पर हॉट कोल्ड फ्लूड इधर से आ रहा है और हॉट फ्लूड इधर से आ रहा है, इसका मतलब ये काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है। यहाँ से निकलेगा कूलिंग टर्बाइन जाएगा, कूलिंग टर्बाइन यहाँ से उसको एक्सपेंड करेगी एयर को और एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करके और केविन में सेंड कर देगा यहाँ पर हमारा, और केविन उसे उसके बाद एम्बियंट में। और यहाँ से हम ये लगा दिए हैं फैन लगा दी है जो कि हमारा यहाँ पर जो हॉट एयर रहेगा हॉट एयर को रिमूव करने में हमारा काम करेगा। कोल्ड एयर तो इधर चला जाएगा लेकिन जो भी हॉट एयर रहेगा उसको रिमूव करने में ये काम करेगा। और इसको रन करवाने के लिए हमारे पास कूलिंग टर्बाइन होता है, एसी के वर्क से हम इसको रन करवा लेते हैं। तो ये इसका था फंक्शन था किस तरह से ये काम करता है। इसको मैं लिख सकता हूँ रैम्ड एयर, ये भी रैम्ड एयर ही है जो कि आ रहा है। इसका ये हमारा फंक्शन था कि क्या होता है। इसका अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो सबसे पहले डायग्राम अगर मान लो पीवी डायग्राम मुझे टीएस डायग्राम या टीएस डायग्राम में बनाना है तो देखना पड़ेगा कितने सारे पॉइंट्स इसमें लोकेट करना है हमें। पहला पॉइंट जहाँ पर हमें एयर एम्बिएंट एयर होगा, दूसरा यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट ये होगा जहाँ पर रैम्ड एयर होगा, तीसरा पॉइंट होगा हमारा कि यहाँ पर कंप्रेसर के बाद का जो हमारा होगा वो हमारा तीसरा पॉइंट होगा, ये चौथा पॉइंट होगा, ये हमारा पांचवा पॉइंट होगा, ठीक है। और केबिन में जो आएगा हमारा केबिन में हमारा पांचवा पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1-2 प्रोसेस है हमारा। इसमें क्या हो सकता है जो हमारा 2 प्रोसेस है, मे बी ये एडियाबेटिक हो, मे बी आइडियल प्रोसेस हो, या मे बी हो सकता है ये एक्चुअल प्रोसेस हो। एक्चुअल प्रोसेस होगा तो यहाँ पर ये एडियाबेटिक ना हो करके हमारा थोड़ा सा उससे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 2-2 भी यहीं पर आएगा, 3 है ये भी हो सकता है, यहाँ पर कंप्रेसर का कुछ इफिशियंसी होगा, कंप्रेसर का इफिशियंसी के कारण इसका ये भी पॉइंट चेंज हो सकता है, 3 या 3 होगा। अगर आइडियल होगा तो हमारा 3, या अगर एक्चुअल होगा तो हमारा 3-, यहाँ पर भी अगर आइडियल होगा तो 2 और एक्चुअल होगा तो हमारा 2-। सेम यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में तो कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर से यहाँ पर आ गया हमारा टर्बाइन, तो टर्बाइन में यहाँ पर 5 और 5 हो सकता है। तो देखिए कितने सारे प्रेशर लाने हैं, 1 pressure, 2 pressure, 3 pressure, 4 and 5 pressure लाइन, 5 टोटल 5 प्रेशर हमारे लाइन होंगे। तो हम यहाँ पर TS डायग्राम बनाते हैं। TS डायग्राम हम देख सकते हैं यहाँ पर कि TS डायग्राम किस तरह बनेगा। देखिए इससे हमारा ये TS डायग्राम है, ये हो गया हमारा TS डायग्राम में, ये टेम्परेचर एक्सिस है और ये एंट्रोपी एक्सिस है। तो टेम्परेचर और एंट्रोपी एक्सिस में क्या है कि हमारा सबसे पहले हमारा क्या हो गया एम्बियंट एयर का लाइन खींचेंगे, ये एम्बियंट एयर का लाइन हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा लाइन हो गया जो हमारा रैमिंग के बाद होगा 2, उसके बाद हमारा 2- हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया 3 प्रेशर लाइन हो गया। बीच में कहीं ना कहीं या तो इसके बीच में या इसके बीच में कहीं ना कहीं हमारा केबिन प्रेशर भी लाइक करेगा, केबिन प्रेशर में वो प्रेशर ये तीनों प्रेशर कहीं भी वैरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू गिवन इन न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर कहीं पर भी प्रेशर हो सकता है। और लास्ट वाला प्रेशर जो होगा वो हमारा एम्बिएंट प्रेशर होगा जो हमारा ऊपर तक हमारा जो सबसे ऊपर होगा जो सबसे हाई प्रेशर होगा। तो ये हमारा हो गया P1 जो हमारा इसको बोल सकते हो आप एम्बियंट प्रेशर बोल सकते हो, P1 जो एम्बियंट प्रेशर होगा एम्बियंट।
दूसरा आप बोल सकते हो केबिन प्रेशर, जिसको मैं पी वन डैश से दिखा रहा हूँ। तीसरा आप बोल सकते हो, तीसरा हमारा है कि हमारा एक्चुअल रैम प्रेशर है हमारा, और एक हमारा आइडियल रैम। तो ये हमारा मान लेते हैं कि पी टू डैश है जो एक्चुअल की बात कर रहे हैं, और पी टू डी हमारा आइडियल की बात कर रहे हैं, और जो ये हायर प्रेशर होगा वो हो गया हमारा पी थ्री, जो हमारा कंप्रेसर के बाद का प्रेशर है। तो पहला प्रोसेस हमारा है कि पहला हमारा 1 to 2 प्रोसेस होगा। 1 to 2 प्रोसेस कहाँ से कहाँ होगा हमारा? वन प्रोसेस हमारा क्या है कि यहाँ पर एम्बियंट में हमारा ये वहाँ से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर रैमिंग हो रहा है। तो रैमिंग होकर यहाँ पर ये हमारा रैम डेयर, तो यहाँ से अगर आइडियल की बात करेंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा 1 to 2 पॉइंट। ये 1 पॉइंट हो गया और ये 2 पॉइंट हो गया, ये आइडियल की बात कर रहे हैं। अगर ये एक्चुअल होगा तो एक्चुअल में हमारा कुछ यहाँ पर चेंजेज आएंगे। तो चेंजेज क्या होगा, ये हमारा इस तरह का प्रोसेस होगा, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा 2 डैश हो गया। अब 2 डैश से हो सकता है यहाँ पर कि ये कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट जा सकता है, तो अगर आइडियल रहेगा कंप्रेसर का प्रोसेस तो कांस्टेंट होगा, अगर एक्चुअल होगा तो यहाँ पर ये वैरी करेगा। तो हो सकता है कि ये 2 डैश टू 3 भी हो सकता है, और 2 डैश टू 3 डैश भी हो सकता है। तीसरा प्रोसेस हमारा क्या है, पहले 3 to 3 डैश हो गया, उसके बाद हीट एक्सचेंजर में जाएगा। हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, वहाँ पर हीट रिलीज करेगा, वहाँ पर हमारा हीट रिलीज करके यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होकर के यहाँ पर मतलब ये 4th पॉइंट तक आ गया, ये कांस्टेंट प्रेशर पर ही होता है। उसके बाद हमारा आता है कि कूलिंग टर्बाइन यहाँ पर लगा हुआ, हमारा कूलिंग टर्बाइन में हमारा 5 और 5 डैश है, यहाँ पर इसको प्रेशर को हमारा डिक्रीज करेगा। प्रेशर डिक्रीज करके हो सकता है ये, अगर आइडियल की बात करेंगे तो यहाँ पर केबिन प्रेशर तक ये डिक्रीज करेगा। तो आइडियल की बात करेंगे तो ये 5 तक, ये केबिन प्रेशर तक ये हमारा 5 पॉइंट हो गया। ये अगर एक्चुअल प्रोसेस होगा तो हो सकता है कि इस तरह का प्रोसेस हो, ये 5 डैश हो गया, और जो हमारा केबिन होगा केबिन का प्रेशर ये 6, जो हमारा जो केबिन का जो टेम्परेचर होगा ये हमारा 6 पॉइंट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेफ्रेशन इफेक्ट हो जाएगा। ये कितना रेफ्रेशन इफेक्ट हमारा पूरा हुआ। तो यहाँ पर मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि टीएस डायग्राम किस तरह से बना है, और ये सबसे बेसिक साइकिल है। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझे, आगे मैं सारा साइकिल बताऊंगा, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे वाले साइकिल में। तो ये पहला हो गया हमारा कि रैमिंग, सबसे पहले 1 to 2 हमारा रैमिंग प्रोसेस हो गया। रैमिंग के बाद 2 to 3 डैश हमारा कंप्रेशन हो गया। पहला रैमिंग हो गया, दूसरा हमारा कंप्रेशन हो गया। रैमिंग ये आइडियल रैमिंग, ये एक्चुअल रैमिंग। 2 डैश टू 3 आइडियल कंप्रेशन, और 2 डैश टू 3 डैश हमारा एक्चुअल कंप्रेशन। 3 डैश टू हमारा जो 4 है वो हमारा कूलिंग प्रोसेस इन हीट एक्सचेंजर हो गया। 3 डैश टू 4 भी हो सकता है, या 3 to 4 भी हो सकता है। ये हमारा कूलिंग प्रोसेस हो गया इन हीट एक्सचेंजर। तो मैं लिख ही देता हूँ कि सारा कौन कौन सा प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेस इन हीट एक्सचेंजर, ठीक है। और 4 to 5 की बात करेंगे तो 4 to 5 डैश हो सकता है एक्सपेंशन इन कूलिंग टर्बाइन, ये हमारा एक्सपेंशन इन कूलिंग टर्बाइन हो सकता है, एक्सपेंशन इन कूलिंग टर्बाइन, एक्सपेंशन इन कूलिंग टर्बाइन, ये आइडियल हो सकता है और ये एक्चुअल हो सकता है। और हमारा लास्ट में हमारा क्या है, ये 5 to 6 डैश हमारा ये रेफ्रेशन इफेक्ट, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ये आप लिख सकते हो कंप्रेशन, और इसको बोल सकते हो आप रैमिंग। और सारा प्रोसेस क्या होगा हमारा, एंटी क्लॉक वाइज, हमारा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन हमारा पूरा साइकिल रन करेगा। ये हमारा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये टीएस डायग्राम ऑफ सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, ठीक है। ये हमारा टोटल हो गया, सारा प्रोसेस मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर मैं बता भी चुका हूँ आपको ये क्या क्या प्रोसेस हो गया है। यहाँ पर मैंने सारे प्रेशर लाइन को मैंने बता दिया है कि P1 हमारा जो नीचे वाला प्रेशर है वो एम्बियंट प्रेशर है, P1 डैश हमारा केबिन प्रेशर है जो ये वाला ग्रीन वाला है, P2 डैश हमारा आइडियल डैम प्रेशर है, ये P2 हमारा आइडियल डैम प्रेशर, P2 डैश एक्चुअल डैम प्रेशर है, P2 डैश एक्चुअल डैम प्रेशर है, और P3 हमारा क्या है, कंप्रेशन प्रेशर है जो कि सबसे हाई प्रेशर होता है। और ये एयरक्राफ्ट क्या होता है हमारा कि लो स्पीड एयरक्राफ्ट, ये एयर कंडीशनिंग का जो मेथड है वो लो स्पीड एयरक्राफ्ट में हम यूज करते हैं। तो इसका अगर वर्किंग की मैं बात करूँ तो फिर से मैं एक बार वर्किंग समझा देता हूँ कि मतलब वर्किंग एक्चुअली होता किस तरह से है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमारा जो एम्बियंट एयर होता है वो एम्बियंट एयर क्या करता है, मूव करता है हमारे एयरक्राफ्ट के रिलेटिव मूव करता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि डिफ्यूजर जैसे लगा होता है, डिफ्यूजर हमारा क्या करता है, इस जो एम्बियंट एयर का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर 2 और 2 डैश पर। फिर इसके बाद क्या होगा, ये इस प्रेशर को मैं इस टर्बाइन इस कंप्रेसर में सेंड करूंगा, और इस कंप्रेसर का जो हमारा एग्जिट है, कंप्रेसर के एग्जिट से जो हमारा प्रेशर निकलता है, हमारा जो एयर हमारा निकलेगा वो हाई प्रेशर होगा। इसका कुछ पार्ट हम कंबसन चैम्बर के थ्रू हम टर्बाइन गैस टर्बाइन में भेज देते हैं, जो कि
एयरक्राफ्ट के प्रोपल्सन के लिए हम यूज करते हैं, और बाकी जो भी हमारा होता है उसको हम हीट एक्सचेंजर में सेंड करते हैं, और हीट एक्सचेंजर में इसको इस हॉट एयर को हम ठंडा करते हैं रैम लेयर की हेल्प से। रैम लेयर एक्चुअली इस एयर से कम गर्म होता है, इसके कारण इसी से हम ठंडा कर लेते हैं। और इस दोनों को ठंडा करने के बाद जो हमारा गर्म एयर पार्ट होता है उसको हम ब्लोअर के हेल्प से इसको रिमूव कर लेते हैं, और जो कूल पार्ट होता है उसको कूलिंग टर्बाइन में भेज करके उसका प्रेशर डिक्रीज करते हैं, और जो हमारा ह्यूमन कंफर्ट है 0.8 टू 0.9 बार के आसपास उसको बना करके हम केबिन में सेंड करते हैं, और फिर केबिन से हमारा ये हमारा निकल जाता है एम्बिएंट की ओर। और जो हमारा वर्क, जो इसका एक्सपेंशन वर्क हमारा ये होता है, ये वर्क इस कूलिंग टर्बाइन का, उसको वो वर्क हम यहाँ पर ब्लोअर को रन कराने में यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा है कि जो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम है उसका किस तरह से हम वर्किंग बता सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में, और अगर आप चाहते हैं कि आपको थ्योरी प्रोवाइड किया जाए, तो आप कमेंट कीजिए, आपको थ्योरी बिल्कुल बिल्कुल हेल्प किया जाएगा पूरी तरह से, जिस तरह से आप समझ पाएंगे उस तरह से आपका हेल्प किया जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। एंड वन मोर इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल गाइस, कि अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो आप बेल आइकन को दबाइए, और उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिए। अगर आप उस ऑल ऑप्शन को क्लिक नहीं करते हैं तो कई सारे वीडियो को देखने से आप वंचित रह जाएंगे। थैंक यू सो मच।